गाजा के रफा में इजरायली फौज और हमास के बीच जंग की वजह से तबाही मची हुई है। अपना आखिरी किला बचाने के लिए हमास ने इस युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है और अगर रफा में हमास हार जाता है तो इजरायली सेना उसे गाजा से जड़ से उखाड़ कर फेंकने में कामयाब हो जाएगी। और अगर IDF रफा में फतह हासिल करने में नाकामयाब होती है तो शायद हमास का खात्मा उसके लिए एक सपना ही रह जाएगा। दरअसल रफा में हमास जितने भीषण हमले कर रहा है उन्हें देखकर लगता है कि रफा की राह IDF के लिए इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अब अल जैतून में अल कासिम ब्रिगेड ने इसराइल की पैदल सेना पर बहुत बड़ा हमला किया है। दरअसल यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने IDF के एक जत्थे के रास्ते में एक सुरंग के भीतर बारूद बिछा दिया था और जैसे ही IDF का जत्था यहां से गुजरा इस सुरंग में धमाका हो गया जिसमें IDF के कई जवानों की मौत हुई और कई घायल भी हो गए। जब इन जवानों को रेस्क्यू करने के लिए IDF का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां उतर रहा था और इस हमले के बीच अल कासिम ने अल जैतून में एक और बड़ा हमला कर दिया। यहां अल कासिम ने इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर 120 mm के मोर्टार गोले से फायर किए। इसके अलावा अल कासिम ने पश्चिमी रफा के तेल अल सुल्तान में इजरायल के मिरकावा टैंक पर यासीन 105 गोले दागे। अल कासिम का कहना है कि तेल अल सुल्तान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम में उसने IDF के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की जिसमें इजरायली सेना को अच्छा खासा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स ने भी इजरायली सेना पर कारम अबू सलेम क्रॉसिंग पर हमला किया है। यहां पर मुस्तफ़ा ब्रिगेड ने IDF पर 107 mm वाले रॉकेट फायर किए हैं। वहीं अलकुत्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने केंद्रीय रफा में बार्क एंटी पर्सनल ग्रेनेड से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है।